यानी कि जिसका सीट कंफर्म रहेगा उसका नाम वगैरह लिखा गया है। यहाँ पर टोटल 8 से 9 यहाँ पर LCD लगाया गया है, तो इसमें टोटल पता चल जाएगा। तैयार नहीं हुआ है जो कि इधर अभी तैयार हो रहा है, तो कुछ दिन में यह वाला भी तैयार हो जाएगा। लेडीज़ के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग दिया गया है, और जो कि इधर आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ सुविधा यहाँ पर दिखा गया है। ATM जिस प्रकार के होता है उसी प्रकार पर यहाँ बनाया गया है, तो इससे आप लोग चक्कर मैदान में अक्सर आर्मी वगैरह का रैली होते रहता है, तो आप 7-8 से जब बाहर निकलोगे ओके दोस्तों, तो क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। आखिर अपना जो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है आखिर कैसा दिखता है, सारा चीज़ आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप लोग मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो बहुत ऐसे जानकारी होगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा, जैसे कि टिकट काउंटर कहाँ पर होगा, कितना यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा, वो सभी जानकारी आपको नहीं पता होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सारा जानकारी आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूरी बने रहिएगा, और वीडियो के लास्ट तक जरूरी बने रहिएगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, पहले अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और लगे कि यह चैनल इंपोर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बातचीत करने का सिलसिला होता है तो वो इंस्टाग्राम पर होता है, यहाँ पर ID मिल रहा है, उस पर फॉलो कर लीजिए। बाकी का आज सारा चीज़ मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जो होता है आपको हम दिखाएंगे। ओके दोस्तों, बात करें यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा के बारे में, तो यहाँ पर 7-8 प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट बनाया गया है, तो इधर लिफ्ट रहा अपना, और इसके बाद अभी नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा वो सभी आपको हम दिखाएंगे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर। और उधर फिलहाल दूर में जो आप देख रहे हैं उधर अभी फिलहाल बन रहा है, तो पहले इसको कवर करते हैं उसके बाद उसको कवर किया जाएगा। और आदमी नहीं ना फुल हुआ है जान दो यार जल्दी। अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं, और इसके बाद क्या नीचे देखने को मिलेगा वो आपको हम दिखाएंगे। और हाँ जी भैया जी, तो फिलहाल अभी हम लोग ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, और ज़्यादा दूरी नहीं था, एक ही फ्लोर था तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। और अब इधर आपको हम दिखाते हैं। ओके दोस्तों, जब आप लोग 7-8 प्लेटफार्म से बाहर की ओर निकलोगे तो ऐसा कुछ सीन देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको इसका सिनेमैटिक शॉट वगैरह दिखाते हैं, और आपको हम बताते हैं कि 7-8 से जब निकलोगे तो आप मुजफ्फरपुर में कहाँ के लिए आसानी से निकल जाओगे। और टिकट काउंटर की बात करें तो 7-8 पर भी टिकट काउंटर यहाँ पर है जो कि बना हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ टिकट काउंटर है। और ऑटो वगैरह इधर भी लगा हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं। और कार या बाइक पार्किंग की सुविधा की बात करें तो इधर भी हो रहा है कार पार्किंग और बाइक पार्किंग, और जो चीज़ हो रहा है अभी आपको हम दिखा रहे हैं। वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो भी बातचीत करने का सिलसिला होता है इंस्टाग्राम पर होता है, तो नीचे भी ID मिल रहा होगा इंस्टाग्राम पर, उस पर जाइए जल्दी फॉलो कर लीजिए। ओके दोस्तों, बात करें 7-8 प्लेटफॉर्म से आप जब बाहर की ओर निकले हुए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर, तो चक्कर मैदान जो कि काफ़ी फेमस रहता है खासकर नवयुवक के लिए, तो चक्कर मैदान में अक्सर आर्मी वगैरह का रैली होते रहता है, तो आप 7-8 से जब बाहर निकलोगे तो इसी होकर आपको चक्कर मैदान की ओर जाना पड़ेगा। फिलहाल तो चक्कर मैदान को हम कवर नहीं कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन को कवर कर रहे हैं, इसलिए यही जानकारी आपको हम दिए। दोस्तों, तो आपको हम बताए थे कि 7-8 जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लिफ्ट वगैरह का सुविधा दिया गया है। एक लिफ्ट तो अभी तैयार हो चुका है, लेकिन पैदल यात्री के लिए जो लिफ्ट बनाया जाता है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जो कि इधर अभी तैयार हो रहा है, तो कुछ दिन में यह वाला भी तैयार हो जाएगा। तो यह हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 7-8 जो कि चक्कर मैदान वगैरह निकलता है जो गेट उसके लिए है, तो आप लोग देख सकते हैं। और फिलहाल उधर भी जाने वाले हैं, मेन जो प्लेटफॉर्म है मुजफ्फरपुर का, उधर भी जाने वाले हैं और सारा चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं। तो अब आपको हम बताते हैं कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल कहाँ पर है, वो बताना तो बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो मुझे भी मालूम नहीं है कि कहाँ पर है या नहीं है, और हम भी जान जाएंगे और आप लोगों के साथ भी हम शेयर करेंगे। और भाई साहब ये भी स्टेशन काफ़ी मज़ेदार, मतलब कि काफ़ी मज़ेदार है, और बैठने का सुविधा भी बहुत ही अच्छा है। समस्तीपुर से है? अच्छा, अच्छा है। चलो आप कह दिए तो सही में होगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके दोस्तों, बात करें मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ पर LCD का एक सुविधा दिया गया है। इस LCD में
जो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, यानी कि एक नंबर प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन आएगी तो उसमें जो यात्री सफ़र कर रहा है उसका नाम लिखा रहेगा, यानी कि जिसका सीट कंफर्म रहेगा उसका नाम वगैरह लिखा गया है। यहाँ पर टोटल 8 से 9 यहाँ पर LCD लगाया गया है, तो इसमें टोटल पता चल जाएगा कि किसका किसका सीट कन्फर्म रहेगा और नाम के साथ पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा स्टेशन पर जो इशू रहता है वेटिंग हॉल को लेकर, कि वो वेटिंग हॉल इस स्टेशन पर कैसा है या इस स्टेशन पर कैसा है और कैसा दिखता है वेटिंग हॉल वगैरह, वो थोड़ा सा आप सभी को हम दिखाते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम आपको दिखाते हैं मुजफ्फरपुर में वेटिंग हॉल जो है आखिर कैसा दिखता है अंदर से। तो ऐसा कुछ सीन बन रहा है जो कि आप लोग देख सकते हैं, अंदर ही बाथरूम वगैरह का भी सुविधा दिया गया है जो कि इधर देख सकते हैं, और ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखाएंगे, बस बाहर से ही आप लोग देख सकते हैं। उधर बेसिन वगैरह का भी सुविधा किया गया है और छोटा सा ही है वेटिंग हॉल जो कि आपको हम दिखाए हैं। लेडीज़ के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग दिया गया है, और जो कि एक नंबर प्लेटफॉर्म पर दिया गया है। ओके दोस्तों, बात करें मुजफ्फरपुर में टिकट काउंटर वगैरह का लेकर, तो एक बहुत ही बड़ा सा टिकट काउंटर जो कि आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा टिकट काउंटर है। चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि कितना ही बड़ा है, और यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ का इशू आप लोगों के सामने में हो सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। और आपको हम बता दें, ATM जिस प्रकार से होता है, जिसको ATVM के नाम से जाना जाता है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उसका सुविधा दिया गया है। इधर आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ सुविधा यहाँ पर दिखा गया है, ATM जिस प्रकार के होता है उसी प्रकार पर यहाँ बनाया गया है। तो इससे आप लोग टिकट काट सकते हैं खुद से, जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट हो गया, वो सभी टिकट आप यहाँ पर आकर काट सकते हैं। इसका ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो आ गया है, तो उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि इस मशीन के द्वारा टिकट कैसे काटा जाता है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी आ गया है, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस यहीं रखते हैं। यह वीडियो पता नहीं छोटा बना या बड़ा बना, लेकिन जो मुजफ्फरपुर में ज़्यादा जानकारी था, जो जानकारी देने का था, वो सारा जानकारी आपको हम दे दिए। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, और यहाँ तक जब आ ही गए हो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो यहाँ पर ID मिल रहा है, उस पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। यही तो इंट्रो में डालना रंग नीचे करो और नीचे करो नहीं हाँ अब सही है। ओके दोस्तों, तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाने वाले